फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस प्रैक्टिस सेट फोर में स्वागत है गाइस आपका। यूपी टीजीटी पीजीटी डीटी प्लस बी एलटी ग्रेड केवीएस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा हर वीडियोज़ के अंदर। और सभी तरीके के मल्टी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। लैंग्वेज हो, ग्रामर हो, आपका लिटरेचर हो या कोई भी लिटरेरी टर्म्स हो, कोई भी आपको आपकी जो भी आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, तो ये सारे के सारे आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपनी बेहतरीन तैयारी को आप दिशा देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आप डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइए मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड, इट इज सिंपल दैट वी हैव टू बी केयरफुल हु वी गिव दिस इंफॉर्मेशन टू। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर, सॉरी प्रैक्टिस सेट निकल रहा है, कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, आपको बताना है गाइज यहां पर कि कौन से पार्ट में आपको एरर मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो गाइज अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये आपको एरर मिलने वाला है डी पार्ट में। ठीक है, डी पार्ट में आपके एरर है, और डी पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला है। और एरर क्या है इसमें, एरर भी देख लीजिए, देयर विल यूज्ड होम, है ना, होम यूज़ होगा हु की जगह पे। क्यों यूज़ होगा, आपको देखना क्या है, आई के साथ डू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट के साथ इज आया है, कोई दिक्कत नहीं है, वी के साथ हैव आया है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वी के साथ गिव आया है। तो यहाँ होम हु की सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है गाइज, यहाँ पे आपको होम की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हु के साथ, यहाँ पे अगर होता ये तो इसको कोई ना कोई वर्ब चाहिए होती है, हु अगर होता है तो उसको कोई ना कोई वर्ब चाहिए होती है, अगर यहाँ पे वर्ब ही नहीं है तो ये फिर अधूरा कपल रह जाता है, इसके लिए आपको होम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। द रोड साइड वेंडर्स डोंट नो हाउ मच लव, ये क्या है गाइज, ये तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो यहाँ पे। लव के बाद क्या है, यहाँ लोंगर है ना, हाउ मच, ओ लव तो है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने चेक किया है, ये लोंगर है आपका, पता नहीं कैसे लिख गया है, लोंगर है, सॉरी गाइज, है ये लोंगर है। ठीक है, तो द रोड साइड वेंडर्स डोंट नो हाउ मच लोंगर वुड दे बी एबल टू स्टे। बताइए वेंडर्स, आपको पता ही है जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं, तो इसमें बताना है आपको कहाँ पर एरर है। देखिए यहाँ पर जो है ये वुड गलत है आपका, वुड की जगह पर विल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि द रोड साइड वेंडर्स डोंट नो, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो अगला सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, ना कि वुड से बनेगा, तो पास्ट की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये वुड जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह पर आप विल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ड्यू टू हैवी रेन्स ऑन द एरिया द मैच हैड टू बी कैंसल्ड। बताइए क्या यहाँ पर, तो भारी बरसात की वजह से जो ये था हमारा वो कैंसिल हो सकता था, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है मुझे, प्रीपोजिशन गलत लगी हुई है यहाँ पर, ये वाली प्रीपोजिशन गलत लगी हुई है, इन द एरिया होता है, ऑन द एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रानी इज आवर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर, इसमें बताइए क्या एरर है गाइज, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट होना चाहिए, है ना, यहाँ पे दा के साथ लीस्ट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट ही होता है पूरा ये फ्रेज़, तो यहाँ आपको ये जो दी है ये यहाँ पे सुपरफ्लूअस हो गया। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, एटिक्वेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, एटिक्वेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है गाइज, देखिए स्टार्टिंग वाला सिंगल टी होता है और जो सेकंड वाला है वो डबल टी होता है, ऐसा देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये ऐसा हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में, यानी कि ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई, एटिक्वेट हो गया। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है पुसिलैनिमस की, पुसिलैनिमस की करेक्ट स्पेलिंग होगी पी यू एस आई डबल एल ए एन आई एम ओ यू एस, पुसिलैनिमस की होती है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे डबल एल आता है, डबल एस नहीं आता है। फुसेला इन द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो कि चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है, इसमें आपको बताना है कि कब आया था ये, 1861 में आया था, मैं बता दूं आपको ये 1861 में आया था, तो आपको बताना है कि इसके इसमें इसके फादर का क्या नाम था, एबल मैगविच गाइस,
ए ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ एक बात और, चार्ल्स डिकन्स का लाइफ स्पेन जरूर आप ये चीज़ जरूर देखते हुए चलें, 1812 से लेके 1870 तक का इनका लाइफ स्पेन रहा है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर में। मिसेस गैम्प इज अ कैरेक्टर इन डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, मार्टिन चुजलविट या फिर हार्ड टाइम्स। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्टिन चुजलविट की इनकी कैरेक्टर थी। कब आया था ये इनका इनके जो सीरियल ही होते थे पब्लिश मैगजीन वगैरह में गाइस। तो यहाँ पे आप 1843 भी मान सकते हैं इसको और 44 भी मान सकते हैं। ईयरली चलते थे, ईयरली या दो साल में ऐसे चलते थे, ठीक है। इन विच लैंडस्केप इज द स्कॉलर जिप्सी इमेजिंड। स्कॉलर जिप्सी में जो है किस लैंडस्केप में इसको इमेजिन किया गया है, तो इसमें जो है ये आपका हो जाता है ऑक्सफोर्ड शायर, बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, स्कॉलर जिप्सी कब आया था, 1853 में। किसका वर्क है ये, मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, मैथ्यू अर्नोल्ड वर्क है और 1853 में आपका ये आया था स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। ये एक पोयम है मैथ्यू अर्नोल्ड की और बेस्ड किस पे है, सेवंथ सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल्स द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। कब आया था वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, 1661 में आया था, तो इसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। हु सेड अबाउट मिल्टन, ही इज़ अवर फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, अवर फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल। तो ग्रैंड स्टाइल के लिए मिल्टन को जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये लाइन किसने बोली है इनके लिए, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और चलिए, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। A person who believes that the world can be made better by human effort is known as। जो व्यक्ति ये समझता है, जो मतलब मानव की भलाई के लिए काम करता है और ये समझता है कि अगर इंसान चाहे अच्छे से कोशिश करे तो वो इस चीज़ में भरोसा रखता है कि जो संसार है उसको अच्छा बनाया जा सकता है, लोगों की जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, मानवतावादी होते हैं, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। जैक हैज एग बिकॉज ही कुडंट रिमेंबर हाउ टू स्पेल बैटमैन। बताइए, यहाँ पे आप ऑन हिज टीथ होगा, ऑन हिज फेस होगा, आपका ऑन हिज शर्ट होगा, नन होगा इनमें से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये एक ये होता है ऑन हिज टीथ, ये एक idiom ही होती है, तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ याद रख लें, ऑन हिज टीथ होता है ये, और कोई सा नहीं होता है, कहीं पे आ जाए तो आप रख सकते हो। ही डैश टू माई एडवाइस, तो टर्नड अ ब्लाइंड आई। गाइज ब्लाइंड आई तो किसी की एक्टिविटी से की जाती है ना, तो ये तो होगा नहीं, टर्नड अवे फ्रॉम भी नहीं है, टर्नड अ डीफ ईयर हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस क्या होती है, सुनते हैं ना हम एडवाइस को, तो यहाँ इससे रिलेट करके आप टर्नड अ डीफ ईयर लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, टर्नड अ डीफ ईयर मतलब अनसुनी कर देना होता है, ठीक है, और ब्लाइंड आई नज़रअंदाज कर देना होता है, ओके। After winning the World Cup, the cricket team was received by fans, won their laurels होता है उनकी जो है प्रशंसा बटोर लेना, with open arms, with a blink of an eye या फिर with a pinch of salt। तो ये हो जाएगा आपका with open arms, मतलब भव्य स्वागत सत्कार के साथ जब हम किसी को रिसीव करते हैं तो उसके लिए आता है। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयरिंग, ये कहाँ पर आते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, ये थॉमस हार्डी के हैं सारे के सारे वर्क, रिटर्न ऑफ द नेटिव, वुडलैंडर्स, जूड द ऑब्सक्योर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये सारे के सारे किसके हैं, ये आपके थॉमस हार्डी के हैं। थॉमस हार्डी का लाइफ स्पैन क्या था, 1840 में पैदा हुए थे ये और 1928 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर हैं ये आपके कहाँ पर हैं, ये बी ऑप्शन होगा, यानी कि द वुडलैंडर्स। कब आया था वुडलैंडर्स आपका, ये 1886 में आया था, 1886 में आया था ये वर्क इनका। अराबेला डॉन इज अ कैरेक्टर इन, अराबेला डॉन कहाँ पर आती है, ये आपकी जूड द ऑब्सकर में है, जूड द ऑब्सकर, और जूड द ऑब्सकर जो है वो आपका बनता है, ठीक है, ये कब आया था, 1895 में आया था, 1895 में आया था, ठीक है, जूड द ऑब्सकर। चलिए, इन विच नॉवल डज हार्डी से लव इज पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। बहुत प्यारी लाइन है, बट ये आई कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो ये गाइज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में आपको मिलती है, कहाँ पर मिलती है, फार फ्रॉम द मेडिंग
क्राउड में, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आया था आपका 1874 में वर्क। ठीक है, ये पेयर ऑफ ब्लू आइज आपका 1873 के आसपास था शायद। ठीक है, रिटर्न ऑफ द नेटिव 1821 में था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, चलिए। एज एन एडिटर निसीम इजेकिल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स, कौन से पीरियडिकल से ये बिलोंग नहीं करते थे जो हमारे निसीम इजेकिल थे। ठीक है, क्विस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री इंडिया। तो गाइज इसमें ये जो क्विस्ट है इससे भी ये रिलेट करते थे, इम्प्रिंट से भी, पोएट्री इंडिया से भी। अच्छा, इनका लाइफ स्पैन बताइए पहले, अगर याद है आपको, माइंड में सोच लीजिए आप, 1924 में पैदा हुए थे ये और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। इंडियन है ये, बेन इज़राइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर देखें हम तो इसमें जो है गाइस जीविस भी कहा जाता है, जीविस अगर आए तो वो भी इन्हीं के लिए आता है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये इसका ओपिनियन हो जाएगा डी ऑप्शन, इससे रिलेट नहीं करते थे। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई निसीम इजेकिल, इनमें से कौन सा वर्क इनका नहीं है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तो है, अ टाइम टू चेंज भी है, द प्रोफेसर, वेज ऑफ बिलोंगिंग, इनमें बताइए आप। ये तो मतलब एक तरीके से मैं बता रही हूँ कि ऊपर वाले तो दोनों ही आप जान लेंगे कि इन्हीं के हैं, बट आपके जो दो नीचे के वर्क हैं इन्हीं में से कोई सा है, तो डी नहीं है इनका, वेज ऑफ बिलोंगिंग इनका नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों इनके हैं। ठीक है, चलिए। आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस, ये लाइन किसकी है, यूलिसिस, हिम इन डार्कनेस, द विजिटर, द लुकिंग ग्लास। देखिए निसीम इजेकिल की बहुत प्यारी लाइन है, बट है कहाँ से, तो ये आपका हो गया हिम इन डार्कनेस। ठीक है, बी ऑप्शन, हिम इन डार्कनेस से ये लिया गया है। ओके, एन एल डोरेडो, इसका मतलब बताना है आपको, एल डोरेडो क्या मतलब होता है इसका, तो देखिए प्लेस ऑफ एबंडेंस होता है, प्लेस ऑफ एबंडेंस। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई होता है एक जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म, सीधा आंसर इसका, इनका तो आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टू पुट ऑफ, टू पुट ऑफ का मतलब क्या होगा, टू पुट ऑफ मीन्स होता है टू टर्न डाउन, है ना, टू टर्न डाउन इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, टू टर्न डाउन, टू पुट ऑफ मतलब नीचे खींचना, टर्न डाउन किसी को नीचे खींचना, इस तरीके से रहेगा, क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं आप इसको। नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, मतलब कोई भी इस तरीके से खर्च नहीं करता उस तरीके से जैसे तुम करते हो, तो नाउन क्लाउज है ये, प्रीपोजिशनल है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्बियल, तो मुझे तो गाइज एडवर्बियल लग रही है बिकॉज एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ पे एक काम करने का तरीका बताया जा रहा है, मैनर ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा आपका ये, है ना, तो ये आपका एडवर्बियल हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन पे आप लोग चाहिए। द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, तो ऑन द टेबल यहाँ पर क्या है, ये नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एन एडवर्बियल फ्रेज है, क्या होगा ये टेबल वाला, चलिए बताइए फटाफट से। तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है गाइज, ये भी है ना, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, यानी कि एडवर्बियल, डी पे जाइए इस पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अवर फ्रेज नहीं, वर्ब फ्रेज तो नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, समबडी विल पे फॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ का एग्जांपल है, समबडी विल पे फॉर दिस, तो समबडी को देखें आप यहाँ पर, ये कंपेयर्ड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड सब्जेक्ट है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है या फिर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए समबड़ी आपका जो है क्या है, ये आपका सिंगुलर भी है और इंडेफिनिट प्रोनाउन इसको कहते हैं, क्योंकि हम समबड़ी के बारे में जानते नहीं हैं, समबड़ी, एनी वन, सम वन, एनी वन, ये सब क्या होते हैं, सम, एनी, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, तो सी पे जाएंगे आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करिए, मैच द फॉलोइंग, व्हेन आई डू काउंट द लो क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, सोनेट 11, सोनेट 12, माई मिस्ट्रेस टाइम, सोनेट 18, एज फास्ट एज दाउ साल्ट वेन सो फास्ट दाउ ग्रोस्ट, सोनेट 130, सेल आई कंपेयर दी टू माई टू आ समर स्टे। तो बताइए इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और यहाँ पर आप जानेंगे कि कौन कौन सी सोनेट जो हैं विलियम शेक्सपियर की यहाँ मैच हो रही हैं। तो जो सोनेट 11 है गाइज, सोनेट 11 जो है वो आपकी ये वाली है, सोनेट 11 को ना आप यहाँ इससे मैच करिए,
एज फास्ट एज दाउ साल्ट वेन सो फास्ट दाउ ग्रोस्ट, ये लाइन हमें जो मिलती है सोनेट 11 से, ठीक है। सोनेट 12 की जो है ये आप इससे मिला सकते हैं, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, ठीक है। सोनेट जो 18 है वो आपकी बनती है ये वाली, शैल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे, याद रखिएगा सोनेट 18 इंपॉर्टेंट है और सोनेट 130 भी आपकी इंपॉर्टेंट है और इसको आप माई मिस्ट्रेस टाइम से रिलेट कर सकते हैं, ओके। चलिए, विच इज़ करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताइए, विच इज़ करेक्ट। मैंने इसको अपने जो है पोस्ट में भी डाला है इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी यू लिव वेयर, या फिर टेल मी वेयर यू लिव। तो गाइज ये आपका ये बनेगा और इसे एज इट इज़ रट लीजिए, वरना आप इसको गलत करके आएंगे पक्का, ठीक है। पक्का इसको ऐसे कि जैसे ही मैंने बताया है वैसा का वैसा आप इसको रट लीजिए, वरना पक्का गलत कर देंगे। तो टेल मी वेयर यू लिव। Which of the following is not written by William Faulkner? इनमें से कौन सा William Faulkner का नहीं है? The Sound and Fury, Absalom Absalom, Knight's Gambit, The Sun Also Rises. तो तीनों ऊपर के जो हैं ये तो बिल्कुल पक्का जो आपके किसके हैं Faulkner के हैं, बट ये जो D है ये आपका Ernest Hemingway का है, Hemingway है ना, Hemingway का है और ये आपका आया था 1920। का लाइफ स्पैन क्या है जो आपके ये हैं Faulkner, इनका लाइफ स्पैन क्या है? तो गाइज 1897 में पैदा हुए थे ये, 1897 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1962 में, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विलियम Faulkner सोल्जर्स पे, इनका एक वर्क है सोल्जर्स पे, तो ये कब पब्लिश हुआ था ये बताना है आपको। तो ये पब्लिश हुआ था गाइज 1926 में, ओके। सन ऑल्सो राइजेस के साथ ऐसे रिलेट कर लीजिए, सोल्जर्स पे भी यहाँ पर हुआ था आपका, ओके। चलिए, तो ये था हमारा और इसमें जो है मिसिसिपियन सेटिंग है जो आपका, ये मैंने सोल्जर्स पे बताया है मिसिसिपियन की, मिसिसिपी किससे रिलेट करता है, विलियम Faulkner से, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ओके। चलिए, और पूरा नाम जानते हैं आप, विलियम कुथबर्ट Faulkner, विलियम कुथबर्ट Faulkner पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1949 में। देखिए Faulkner 49, Faulkner 49, Faulkner 49, ऐसे याद रख लीजिए, ओके। दो चार बार बोलेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। चलिए गाइस, आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए दूसरों को भी, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय, पढ़ते रहिए।